हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। त्योहारों का मौसम आ रहा है, त्योहार है तो मिठाइयाँ तो जरूर होंगी, और इस बार तो मिठाइयाँ बाहर से भी नहीं मंगा सकते हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलके मिठाइयाँ बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिठाइयाँ बनाना, और आज की रेसिपी है काजू कतली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ये हम अपने काजू को ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हमें फाइन पाउडर में ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद हम इसको अच्छे से छान लेंगे। पाउडर को छानना इसलिए जरूरी है क्योंकि काजू कतली में कोई भी दाना नहीं होता है, और ये बहुत ही क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर की होती है। अच्छे से इसको छान ले। छानने के बाद जो बचेगा उसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं हलवे या खीर में। हम अपने पाउडर को साइड में रख लेते हैं और शुगर सिरप बनाना स्टार्ट करते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कप शुगर ले रही हूँ। हाफ कप पानी लेंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, हमें सिर्फ वन स्ट्रिंग की कंसिस्टेंसी लानी है। जब आपको राइट कंसिस्टेंसी मिल जाए तो आप इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दें और मिक्स कर लेंगे। काजू पाउडर ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के साथ साथ आप उसको चलाते रहिए, अदरवाइज उसमें लम्स हो जाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स करते रहें। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। आपको मिक्स करते रहना है। जब आपको लगे आपका डो पैन में स्टिक हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दें। आपको तब तक उसको थोड़ा सा पकाना है जब तक कि वो एक डो की फॉर्म में ना आ जाए। ये देखिए, अब हमारा काजू का पीस डो की फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए, मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ थोड़ा सा, ताकि हाथ लगाएं तो हमारे हाथ ना जले। अब आप बेकिंग शीट या पैन में घी लगा लें और उसमें इस डो को ट्रांसफर कर लें। शीट देना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इसको फ्लैट करने के लिए केक एज स्क्रैपर यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो रोलिंग पिन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस डो का रेक्टेंगल बना लेते हैं और उसको इवन कर लेते हैं। इवन करने के बाद अब हम इसको कट कर लेते हैं। काजू कतली को शेप देना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर काजू कतली की बहुत ही पॉपुलर शेप डायमंड शेप दे रहे हैं। ये देखिए, हमारी एकदम पतली पतली काजू कतली बनके तैयार है। आप सिल्वर लीफ भी यूज कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। सेट होने के लिए आप इनको 2 से 3 घंटे के लिए किसी ठंडी जगह पर रख दें, उसके बाद सर्व करें।